तुम? मेरा मतलब आप? हाँ, मैं सोफिया का वालिद हूँ। What? आखिर ऐसा क्या हुआ कि नवारिद के साथ आने वाली सोफिया इतनी दुखी और बेचैन है? सोफिया के साथ आने वाला तुफैल सोफिया के वालिद के मुंह से यह सुनकर क्यों हैरान हुआ कि सोफिया उसकी बेटी है? ऐसे ही कुछ सवाल और उनके जवाब हैं हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। तो आइए जानते हैं सोफिया की कहानी का सच। ये अम्मी, मैंने आपको बताया था ना कि आज मुझे जल्दी निकलना है। अरे अरे, क्या कर रही हो? अब्बू को नाश्ता करने दो, उन्हें देर हो रही है। आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है और मैं पहले ही लेट हो चुकी हूँ। अगर इतनी ही जल्दी थी तो सुबह सुबह जल्दी उठना था ना। अब मेरे ही नाश्ते बेटा का। अबू जी प्लीज, आज मेरा पहला दिन है, इम्प्रेशन खराब होगा। अरे अरे, ये छीना झपटी तो बंद करो, मैं और चाय लेकर आ जाती हूँ। देखो बात सुनो, मेरी सवारियां मेरा इंतजार कर रही होंगी, इसलिए नाश्ता पहले मैं ही करूंगा। ये ले। थैंक यू अब्बू, मुझे पता था आप अपनी बेटी की कोई बात नहीं डालेंगे। ये अच्छा अम्मी जी, अबू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे एक बात बताओ, कि तुम इतना सोफिया से लड़ते क्यों हर बात पे, जब तुम्हें उसकी हर बात माननी होती है? तुम नहीं समझोगे सलमा बेगम, वो मेरी बेटी नहीं, मेरी जिंदगी है। जिंदगी तुम्हारे इसी लाट पे आने ना उसे सर पे बिठा लिया है। अरे भाई, हंसने खेलने के दिन है, करने दो मजे उसको। बस आपके पास तो यही जवाब होता है। क्या करूं, तुम भी तो बार बार एक ही सवाल करती हो। अच्छा, अब तो तुम्हें देर नहीं हो रही ना, आराम से बैठे हुए हो। जाता हूं बाबा, खफा क्यों हो रही हो? चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखना अपना। मैं इस ग्रुप को लीड कर रहा हूं जिसमें आपके अलावा दो और फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं। यानी आप यहाँ पे काफी सीनियर हैं। ज्यादा तो नहीं, लेकिन 5 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते हुए। बट मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आई नो दैट, इसीलिए तो मैंने आपको अपने ग्रुप में रखा है ताकि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूँ। थैंक यू सर। डोंट बी फॉर्मल, इट्स नॉट नाइट। आप मुझे तुफैल भी कह सकती हैं, और वैसे भी मैं फ्रेंडली माहौल में काम करने को ज्यादा तरजीह देता हूँ। शुक्रिया तुफैल साहब। तुफैल भी चलेगा। चले, मैं आपको अपने काम की नौइयत के बारे में ब्रीफिंग देता हूँ। जी जरूर। सोफिया कहाँ है? क्या आते ही बस बेटी की फिकर लग जाती है। ओहो, उसका ऑफिस का आज पहला दिन था। है कहाँ सोफिया? आई अब्बू जी। खाना लगाओ, मैं हाथ मुंह धो लूं। आप फिर कुछ ले आए? ओहो, तुम्हें तो पता है ये उबले हुए चावल ये सोफिया खाती तो है नहीं। खूब बिगाड़ा है आप इसे। ओहो, तुम तो हर बात को मसला बना लेती हो। आज अगर इसके लिए कुछ ले आया हो तो इसमें हर्ज क्या है? आज
आप हफ्ते में 5 दिन कुछ ना कुछ इसके लिए लेकर आते, फजूल खर्ची का शौक जो है। अब खाना खाने दोगी भी अब? सोबिया तुम जल्दी से निकालो वरना ठंडा हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा। अरे वाह, स्पाइसी टिक्का जबरदस्त। अबू पता है आज बहुत मजा आया ऑफिस में। अरे हाँ, अब वो ऑफिस को तो पूछना ही भूल गया, आज तुम्हारा पहला दिन था ना, क्या हुआ ऑफिस में? बहुत जबरदस्त। पता है हमारे ऑफिस में एक तुफैल साहब है जो हमारे सर हैं, वो ना बहुत ही अच्छे इंसान है। समझा? बस बेटा अल्लाह करे तुम्हें अच्छे लोगों से ही वास्ता पड़े बस। अबू आपको पता बज़ाहिर असलम और सोबिया में बहुत गहरी दोस्ती थी। असलम सोबिया की हर बात का ख्याल रखता था और रखता भी क्यों ना, क्योंकि वो उसकी इकलौती औलाद थी। असलम की इस दोस्ती ने सोबिया को बहुत एतमाद दिया था जो उसकी अमली जिंदगी में बहुत काम आने वाला था। Come in. Any problem, सोबिया? नहीं सर, I'm in तुफैल साहब। आपने जो रिपोर्ट बनाने के लिए दी थी वो तैयार है। एक्सीलेंट। वैसे मेरा ख्याल था कि आपको कुछ वक्त लगेगा काम समझने के लिए। थैंक्स सर। दैट्स ग्रेट। बहुत डरते डरते बनाई है, पता नहीं क्या क्या गड़बड़ की होगी। आई डोंट माइंड, जहरी बात है जो काम करेगा उससे गलती तो होगी, इसीलिए मुझे फ्रेश लोग पसंद हैं, वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं। Like you. Thanks. ठीक है, आप इसे छोड़ जाए, मैं देख लूंगा। एक रिक्वेस्ट है। जी फरमाए। अगर आपको रिपोर्ट समझ में ना आए तो प्लीज डांटिएगा मत। ओके बॉस। भाई छोटे, एक चाय और एक केक प्लीज। और भाई मियां, एक हलीम पार्सल कर देना फटाफट। ले बे जंगीरे, एक और आ गया। मैं कौन सा खाना खाएगा, कंजूस कहेगा। आवे लिया यार जल्दी। वैसे असलम भाई, हाँ बुरा बंद बा, इतने पैसे बचा के कहाँ ले जाओगे? अबे शक्कू, मैं सिर्फ पैसे नहीं बचाता, वक्त भी बचाता हूँ। वैसे असलम ठीक कह रहा है, खाना खाएंगे चाय पियेंगे, मतलब एक घंटा लग गया हमारा, और इस एक घंटे में पूरा हाफ डाउन मार लूंगा। असलम भाई, आदमी कमाता किस लिए कि पेट भर के खाना भी ना खा सके? तो आप एक काम करो, आप खाने के मजे उड़ाओ और चाय के मजे उड़ाओ और सिगरेट के भी। मैं चला, अल्लाह हाफिज। यार मुझे इस पे बड़ा तरस आता है यार। वो क्यों? देखा नहीं घर वालों के लिए कैसे अलीम पासा कराई उसने? भाई ये तो उसका रोज का काम है। देखना यार, अपना पेट काट कर सब बच्चों के लिए करता है यार। भाई मैं तो कहता हूँ जान है तो जहान है, अगर खुद इस काबिल रहोगे तो घर वालों के लिए कुछ करोगे ना। असलम ने हमेशा अपनी जात की नफी की और अपनी बीवी और बेटी के बारे में सोचा। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। सोबिया की नौकरी को अभी चंद माह ही गुजरे थे कि उसे अचानक ये कैसी फिकर लाहक हो गई थी। आप मुझे तो फैल भी कह सकती हैं, और वैसे भी मैं फ्रेंडली माहौल में काम करने को ज्यादा तरजीह देता हूँ। आई डोंट नो, जहरी बात है जो काम करेगा उससे गलती तो होगी, इसीलिए मुझे फ्रेश लोग पसंद हैं, वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, लाइक यू।
देखिए मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कितनी अच्छी पोस्ट पर है और मैं एक रिक्शा चलाने वाले की बेटी। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तुफैल मुझे पसंद करते हैं, मुझे भी तो वो अच्छे लगते हैं। मैं अबू जी से बात करूं? हाँ, मुझे बात करनी पड़ेगी। तुफैल, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। सोफिया, तुम इस वक्त खैरियत? जी अबू जी, सब खैरियत है। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। अबू जी, आपने आज तक बड़ी मेहनत की है, हमें कभी किसी महरूमी का एहसास नहीं होने दिया। तो फिर अबू जी, ये कि आप कब तक ये रक्षा चलाते रहेंगे? जब तक दम में दम है। नहीं अबू जी, अब मेरी इतनी तनख्वाह तो है कि मैं घर का खर्चा आराम से चला सकती हूँ। तो फिर ये अबू जी के आप अपना काम छोड़ दें, मैं हूँ ना, आखिर मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। देखो बेटी, मुझे रक्षा चलाने में कोई मुसीबत नहीं है, हाथ पैर चल रहे तो अपना काम भी चल रहा। अब वो इंसान रिटायर भी तो हो जाता है। हाँ तो वक्त आएगा तो मैं भी रिटायर हो जाऊँगा। वैसे अबू जी, मैंने ऑफिस में लोन के लिए एप्लीकेशन भी दे दी है। क्या लोन? मगर क्यों? मेरी जगह अगर आपका कोई बेटा होता, वो भी यही करता ना, अच्छी जगह घर लेता, आपको आराम करने के लिए कहता। तुम्हें क्या हो गया मेरी बच्ची, आज कैसी बातें कर रही हुई? अब्बू, आपने सारी जिंदगी इस फर्टीचर मकान में गुजार दी, लेकिन अब मैं आपको अच्छी और साफ सुथरी जिंदगी देना चाहती हूँ। सोबिया, पहली बात तो ये, मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ। दूसरी बात, मैंने हमेशा तुम्हारी हर बात मानी है, ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हें जॉब करने की इजाज़त दी। और एक बात याद रखना, ये बात दिमाग से निकाल दो, मैं कभी वो नहीं करूँगा जो तुम कह रही हो। सुना तुमने? आपको करना पड़ेगा मेरी खातिर। पागल लड़की, साल दो साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे, भीख मांगेंगे? जाओ, जाकर सो जाओ। और सुनो, आइंदा ये बात मत करना, समझी? देख लिया, और चढ़ाओ सर पे उसे। चलाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कहाँ जाओगी? नहीं, मैं चली जाऊंगी, अभी टैक्सी या रिक्शा आता ही होगा। वो तो मुझे पता है तुम चली जाओगी, पर मैं तुम्हें आज ड्रॉप कर देता हूँ। आपको जहमत होगी ना। कम ऑन सोफिया, मैं आपसे चाय की फरमाइश नहीं करूंगा, चलें।
अबे पागल हो क्या? हाँ पागल हो, मरने का इतना ही शौक है तो कहीं और जाके मरो, दूसरों के लिए मुसीबत क्यों बनते हो? माफी चाहता हूँ साहब। मैं माफी चाहता हूँ? अबे नशे में हो क्या? एक तो रॉन्ग साइड पे आ रहे हो, क्या समझे अपने आपको? साहब मैं अगर रॉन्ग साइड आ रहा तो आप तो देख सकते थे। तुफैल प्लीज अब छोड़ भी दे। तुम चुप करो, जुबान चलाते हो मेरे साथ? हाँ जुबान चलाते हो। सारा ट्रैफिक का निजाम इन्हीं जैसे लोगों की वजह से बर्बाद होकर रह गया। अब बस भी कर दें तो फिर? नहीं सोफिया, तुम इन लोगों की मेंटालिटी नहीं जानती। जब तक दो चार हाथ ना लगे ना तो ये लोग सीधे नहीं होते। तो आप उसे गरीब समझकर ही छोड़ देते? गरीब? अरे सोफिया तुम इन लोगों को नहीं जानती, वो तो शुक्र करो मैंने उस पर चढ़ाई कर दी, वरना उल्टा मुझे जज्बाती होकर ब्लैकमेल करता। सब लोग एक जैसे नहीं होते। अरे यार मैंने तो आज तक इस कैटेगरी में कोई ढंग का आदमी देखा ही नहीं है। सारे मूड की ऐसी तैसी करते। खैर छोड़ो इस बदबख्त को। क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है। तो फिर आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? मैं वो थक गया हूं ना इस वजह से। नहीं मैं नहीं मानती, आपकी तबीयत खराब हो ना तो भी आते ही आप सबसे पहले सोबिया का पूछते हैं। हाँ कहाँ है सोबिया? कहाँ है? नहीं कमरे में है और कहाँ है? ओ उससे कहना खाना खा ले और सो जाए, मुझे भूख नहीं है। और हाँ उससे कहना कि वो मेरा इंतजार नहीं किया करे, खाना खाकर सो जाया करे। मुझे भी नहीं बताएंगे क्या हुआ है? अब वो बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी, हम उसे छोटे लगने लगे। छोटे? ऐसे क्यों कह रहे? और आपकी आंखों में आंसू? आदमी दुनिया से लड़ सकता है पर अपने आप से नहीं, अपने आप से नहीं लड़ सकता। खुदा के वास्ते बताते क्यों नहीं है? मेरा कलेजा फट जाएगा। क्या हुआ है?
अपने बॉस के साथ है, मुझे बात सुनता देखते और धक्का देते देखती रही, पर इसके मुंह से यह नहीं निकला कि मैं उसका बाप हूं। हाँ भाई, अच्छी नौकरी, अच्छा बॉस और अच्छी तनख्वाह, बस इसके बाद उसको क्या नजर आएगा। खाना दे दिया उसे? इसी दिन के लिए डरती थी, इसी दिन के लिए, लेकिन आपने तो उसे अपनी हथेली का छाला बना के रखा हुआ था ना। फिक्र मत करो, सब सब ठीक हो जाएगा। तूफान से पहले की लगी है ये खामोशी, नाराज हैं सरकार, बड़ी देर से चुप है। बज़ाहिर तो ये तूफान थम गया था, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि असलम अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत करता था। लेकिन अब जो ये खामोशी थी वो एक आने वाले बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी। और फिर कुछ ही दिन बाद भाई क्या हुआ यार? प्लग तो ठीक है, करंट नहीं पकड़ रहा। अशको जरा गाड़ी का ख्याल रखना यार, मार्केट से मैं पॉइंट लेकर आता हूँ। अरे ओ भाई, ये अपनी गाड़ी साथ ही ले जा, वहाँ मिस्त्री भी मिल जाएगा और पॉइंट भी फिट कर देगा, और मैं वैसे भी अपना 4 सीटर लेने जा रहा हूँ। अबे यार, 100-150 रुपये हेंट लेगा फजूल में? ये थोड़ा सा काम है, ये मैं खुद कर लूँगा यार, इतना तो मुझे आता है भाई, औजार हैं मेरे पास, बस तो इसका ख्याल रखना, मैं अभी गया और अभी आया। वाह असलम उस्ताद वाह, आप तो बचत का कोई भी बहाना हाथ से जाने नहीं देते। अच्छा भाई जा, मैं बैठता हूँ। शुक्रिया, मैं बस अभी आया। पहले तो सूबिया के लिए बहुत रिश्ते बता दी थे तुम, अब क्या हो गया है? पहले तो आप ही मना कर देते थे ना। पहले वो पढ़ रही थी भाई। सूबिया ने फिर कोई गड़बड़ की? अरे नहीं भाई, सारी जिंदगी बैठा के रखना है क्या उसको? अरे भाई, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? अब आपने कह दिया ना, तो 1-2 महीने में इंशाल्लाह ही काम भी हो जाएगा। वैसे आप एकदम अचानक? अरे उम्र बढ़ती जा रही है उसकी। अच्छा ठीक है, मैं कल रजिया खाला से पता करती हूँ, वैसे वो एक लड़के का रिश्ता बता भी रही थी। पहले तुम ये करो, सोबिया से पूछ लो। सोबिया से क्यों भाई? उसको कोई अच्छा लगता हो या उसकी नजर में कोई हो। कमाल बात करते हैं आप भी। हाँ, सोबिया से जरूर मालूम कर लेना, ये मैं बता दूं। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं क्या जवाब दूं?
मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा। तो सोबिया, इसमें ना समझ आने वाली कौन सी बात है? अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मुझे मना कर दो, सिंपल। ऐसी बात नहीं है दोपहर। तो फिर सोबिया, असल में मैं खुद को इस काबिल नहीं समझती। भाई मैं समझता हूँ तुम्हें इस काबिल, मैंने तुम्हें प्रपोज किया है। बेटा, वो तुमसे एक बात करनी थी। जी अम्मी जी, बोले। तुम्हारे अब्बू कह रहे थे कि तुम्हारा रिश्ता करने से पहले तुम्हारी मर्जी मालूम कर लूं। जी। सोबिया और सलमा के दरमियान जो बात हुई, क्या असलम उसे कबूल करेगा? एक बाप की बेलौस मोहब्बत का असल इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। अगर ऐसी बात थी तो इस बेवकूफ ने तो पहले को सारी बातें पहले ही बता देनी चाहिए थी। तो अब आप क्या करेंगे? क्या कर सकता हूँ सिवाय इसके कि जो कुछ हुआ उसे भूल कर अपनी इकलौती बेटी की खुशी में खुश रहूं। हाँ? हाँ, देखो सलमा, हमने तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार ली। अब मैं नहीं चाहता कि आखिरी वक्तों में उसके आड़े आऊं। और हाँ, उसे ये बात बता देना कि तुफैल के घर वाले जब भी आए इज्जतदार तरीके से यहाँ पर आए। ये सोबिया आज ऑफिस नहीं जाएगी क्या? हाँ, वो आज कह रही थी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलो ठीक है, अल्लाह के हवाले। हम जैसे लोगों से तो नफरत करता है, फिर मैं उसे कैसे बताऊं मैं एक रक्षा चलाने वाली की बेटी हूं। सॉरी अब्बू जी, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं किसी भी हाल में तुफैल को नहीं खोना चाहती। What? सोबिया, ये क्या बेवकूफी की तुमने? मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था तुफैल। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मेरा भी यही हाल है, पर ये तरीका गलत है सोबिया। तुम नहीं जानते मेरे अब्बू को, वो किसी भी हाल में इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। ये तुम्हारा ख्याल है, मगर मैं उन्हें किसी तरह से भी मना लेता। मगर मैं जब खुद आपके पास आ गई हूँ तो फॉर गॉड सेक सोबिया, सॉरी, आई लव यू, मगर मैं तुम्हें इस तरह से कबूल नहीं कर सकता। हाँ, तुम चलो मेरे साथ। रुको, मैं जो भी करूं, कैसे भी करूं, उन्हें मना लूंगा, उनकी मिन्नत करके उन्हें राजी कर लूंगा तुम्हारे लिए। चलो मेरे साथ। लेकिन तुफैल, मेरी बात तो सुनो। तुफैल, मेरी बात तो सुनो। तुफैल, तुफैल प्लीज चलो। गाड़ी में बैठो जल्दी से। तुफैल, बैठो गाड़ी में। हाँ भाई सलमा, सोबिया की तबीयत ठीक हो गई? कहाँ, आज तो वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली है।
तो तुम डॉक्टर के ले जाती उसको? भाई मेरी तो खुद टांगों में बहुत दर्द है, मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो भाई तुम भी दिखा देती डॉक्टर को। खैर अच्छा चलो मैं ले जाता हूँ डॉक्टर के। सोबिया, 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 बेटा सोबिया, सोबिया, प्यारे अबू जान, आखिरी दफा आपसे कुछ मांग रही हूँ, प्लीज मायूस मत कीजिएगा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा, आपकी नाफरमान सोफिया। कहानी के शुरू में तुफैल सोबिया को लेकर असलम के घर पहुंचा, ये तो आप देख ही चुके हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। मैं सोबिया का वालिद हूं। What? अंदर आओ, इससे पहले कि अंदर की बात बाहर चली जाए। अंदर आओ। सोबिया, तुमने मुझसे छुपाया? जिस दिन मैंने उस दिन के बाद तुमने मुझसे छुपाया? क्यों सोबिया, बोलो, बहुत ही गुनी हुआ? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें छोड़ के ना चले जाऊं? अफसोस हो रहा है मुझे, दुख हो रहा है मुझे, गुस्सा आ रहा है और मुझे अपना अपना मुझे बहुत छोटा लग रहा है इनके आगे। तुम इस शख्स को छोड़कर मेरे पास चली आई जिसने तुम्हारी खातिर सारी जिंदगी मेहनत और मुशक्कत की सिर्फ इसलिए कि वो फोर सीटर चलाता है? हाँ अंकल, मैं आपके आगे बहुत शर्मिंदा हूं। उस दिन मैंने आपके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मुझे माफ कर दें। जिस शख्स ने तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए अपनी जिंदगी गवा दी, उसे छोड़कर तुम मेरे पास चली आई, अगर तुम इस शख्स की वफादार नहीं हो सकती ना तो तुम मेरी कैसे बनोगी? आई एम सॉरी मिस सोबिया, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं देखते भालते हुए भी कोई मैं छलांग नहीं लगा सकता। हो सके तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा।
एक बाप और बेटी का रिश्ता बिल्कुल फूल और महक की तरह होता है। फूल महक के बिना वो जगह नहीं बना पाता जो उसको मिलनी चाहिए। जो लोग इस बात को समझ जाते हैं उनकी जिंदगियां फूलों की तरह महकती रहती हैं, और जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते उनके साथ कभी कभी